राजस्थान के वारा जिले की सीमा से सटे हुए राजस्थान में धार्मिक आस्था का विशाल धार्मिक पावन स्थान, जहां पर लोग अपनी आस्था और विश्वास से बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर जहां एक तरफ संतान प्राप्ति के लिए कामनाएं करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक निर्दय मां ने अपनी संतान को तालाब में फेंक कर मां की ममता को शर्मसार कर दिया है। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के निवासी मोग्या बेह गांव में ससुर फरियादी रामचंद्र पिता परमानंद लोधा ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कामखेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह मय पुलिस जाफ्ता के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के म्योगा बेह गांव पहुंचे, जहां पर पुलिस ने ग्रामीण की मदद से घटनास्थल पर पहुंचे तालाब में महिला ने नवजात शिशु को फेंका, जिसे निकालकर पोस्टमार्टम कर मृतक नवजात शिशु को परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ससुरी रामचंद्र पिता परमाणु लोधा ने बताया कि हमारी बहू के 4-5 दिन पहले डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था, उस बच्चे को रात के समय तालाब में फेंक दिया, जिसकी सूचना कामखेड़ा पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक नवजात शिशु का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। कामखेड़ा पुलिस कर रही है अनुसंधान। ये आज सुबह जो है अपनी तत्कालीन थाना अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह जी निरीक्षक थाने को सूचना मिली थी गाँव मोजाबे से रामचंद्र रोदा की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी बहू रेखा भाई पत्नी कारोदार रोदा, जिसकी दिनांक 20/7/2022 को थाना अस्पताल पर जो है डिलीवरी हुई थी, इसके बच्चा हुआ था जिसको कल 22/7 को जो है छुट्टी करने पर इसके ससुर लेकर के उनके घर पर आ गए थे रात्रि के समय, रात्रि के 1-2 बजे करीब के समय जो है वो उसको इन बच्चे को लेकर के जाते थे, कहा वापस आए तो उस बार बच्चा नहीं मिला। उससे पूछताछ करने वाले ने सोचता कि तो थाना अधिकारी जी मौके पर पहुँचे, उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रकरण दर्ज कर धारा 317 में प्रकरण दर्ज कर बच्चा कहाँ से बरामद हुआ सर? हाँ, बच्चा की नवजात शिशु की तलाश की तो वहाँ मोगा के पास ही खड्डे नाली होती है, वहाँ जो है बच्चे की नवजात शिशु की बॉडी मिली, जिसको दस्तयाब कर उसका पीएम करवाया गया। पीएम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द किया गया और प्रकरण में अनुसंधान जारी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।